नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मिनी फव्वारा के बारे में। एक मिनी फव्वारा है, ये स्प्रे के काम में बहुत ही अच्छा आता है और इससे आप पेड़ पौधा या कुछ भी कुछ किसी को भी आप स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। या इसमें पेड़ पौधे में कभी भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो इसमें दवाई डाल के और उससे स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही सस्ता आता है, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से यूज करना है। आप देखिए, ये इसका पाइप है, इससे जो पानी खींचता है, और ये इसका जाली है, इससे कोई मतलब कचड़ा वगैरह हो वो ना जाए। तो इस तरीके से इसमें लगा देते हैं और ये फिट हो जाता है, तो कोई कचड़ा वगैरह होगा तो हमारे फव्वारा में नहीं जाएगा और फव्वारा ख़राब भी नहीं होगा। तो आप देखिए, इस तरीके से इसे लगा देते हैं और ये लग गया है। तो ये फव्वारा बहुत ही सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। ये आपको मार्केट में 40 रुपये के आसपास मिल जाएगा, मिनी फव्वारा के नाम से भी मिल जाएगा। और इससे आप कुछ भी सारा कार्य जो स्प्रे का है वो इससे हो जाएगा। जो हमारे पेड़ पौधे वगैरह हैं सारे इससे आप स्प्रे कर देंगे, पत्तियां वगैरह इससे पानी वैसे डायरेक्ट डालते हैं तो पत्तियां या पेड़ गिर जाता है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है, हल्का हल्का फव्वारा जाता है, बहुत जैसा चाहें वैसा आप कर लें। तो ये देखिए, मैंने इसको खोल दिया है, इससे आप खोल के इसके फव्वारा को स्प्रे को नोजल है, इसे नोजल बोलते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि इसे आप जितना चाहें उतनी इसकी स्प्रे की जो पावर है कम कर दें या ज़्यादा कर दें, जैसा फव्वारा चाहें वैसा फव्वारा इसे ले सकते हैं। जितना हम टाइट करें उतना ये दबेगा। तो ये मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया है, अब क्या करना है इसे खोलने के बाद और इसमें टाइट कर देंगे। तो ये टाइट कर देंगे तो उसके बाद धीरे 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 जैसा घुमाएंगे वैसा फव्वारा की हमें जो है स्प्रे मिलता रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आप देखिए इस तरीके से इसे टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद फिर हम आपको चला के भी दिखाएंगे अभी किस तरीके से चलाना है। पूरा फव्वारे का सिस्टम नहीं लेना है, केवल ये इसे बोलते हैं अपर भी बोलते हैं, या मिनी फव्वारा अपर बोलते हैं। इस तरीके से आपको मार्केट में जनरल स्टोर की दुकान पर मिल जाएगा आसानी से। तो ये देखिए, हमारे पास एक खाली बोतल पड़ी हुई है जो हम लोग ठंडा वगैरह पीते हैं, वो इसी एक बोतल ले लेंगे और उसमें पानी भर लेंगे, और उसके आधा लीटर की हो या एक लीटर की हो किसी भी बोतल पर आसानी से टाइट हो जाएगा, उस पर आसानी से टाइट कर लेंगे और आप इसका यूज कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें मैंने पानी भर लिया है और अभी आपको टाइट करके इस पर चला के भी दिखाएंगे। तो इतना पानी ले लिया है, अब इस फव्वारे को इसके ऊपर टाइट करते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं, इसका ढक्कन हटा दिया बोतल का, और इस उसकी जगह इस फव्वारे को टाइट करेंगे। तो देखिए कितना आसान है, इसको इस तरीके से इसे टाइट कर दिया, देखिए तो ये टाइट हो गया। अब इसको हम चला के आपको दिखाएंगे, देखिए अब थोड़ा चलाएंगे, ये देखिए पानी से उठा लिया, तुरंत पानी भी आने लगा। आप देखिए, थोड़ा सा इसका नोजल को ढीला करते हैं, ढीला कर दिया तो देखिए थोड़ा सा स्प्रे इसका ढीला कर दिया तो थोड़ा सा वैसा स्प्रे मोटा हो गया, और ढीला करेंगे तो और मोटा हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप इसका स्प्रे लेना चाहें वैसा आप सेट कर लें और वैसा आपको पानी का स्प्रे मिल जाएगा। पर महीन या मोटा है, जैसा ही इसका स्प्रे चाहिए उस तरीके से आपको मिलता रहेगा, अपने अनुसार इसे सेट कर सकते हैं जैसा चाहें। तो हम आपको देखिए दिखा भी रहे हैं इस तरीके से घुमा के, जैसा घुमा रहे उसी हिसाब से हमें स्प्रे, ये पानी जो निकल रहा है इसका उस हिसाब से निकल रहा है। महीन कर देंगे तो महीन निकलेगा, मोटा कर देंगे तो मोटा निकलेगा। तो आप आसानी से इसे घुमा के सेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है इसको सेट करने में, और ना ही परचेज करने में कोई दिक्कत है, हर जगह मिलता भी है ये। तो इसे आसानी से कोई सा भी हमारा पेड़ पौधा या हमारे जो गमले होते हैं उनमें जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं, दवाई वगैरह छिड़कनी होती है तो काफ़ी परेशानी आती है, तो इस बोतल में उसको घोल बना के और इस तरीके से स्प्रे चला देंगे। स्प्रे चलाने के बाद ये पूरे पेड़ पे जहाँ पे भी कोई कीड़ा वगैरह लगा होगा सारे कीड़े मर जाएंगे, हट जाएंगे, और जो हमारा पौधा है वो धीरे धीरे सही आने लगेगा। और पानी से भी डायरेक्ट आप धुल सकते हैं जैसे चाहे, आप देखिए हाथ पे भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप पानी को भी मतलब जो है इस्तेमाल करके पेड़ को भी अच्छी तरीके से धुल सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक तुलसी का पौधा है, इस पौधे को हम इस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्तियां जो भी हैं मिट्टी वगैरह लगी है वो साफ़ हो जाएगी, पौधा हमारा हरा भरा बना रहेगा। तो इसमें ऊपर से जो पानी स्प्रे से मिलता है तो उससे पौधा और जल्दी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।